Alright guys, so yo, what's up YouTube, welcome back to our channel and bye, we are back with a Big Boss video. अभी Big Boss का craze थोड़ा धीरे-धीरे मैं कम कर रहा हूँ, but मैं मतलब मजा आ रहा है ना अपने आप को देखने के लिए कि मैंने उस घर में क्या करा. तो आज हम देखने वाले हमारे दो दिग्गज लोग जो घर के अंदर थे, me versus पूजा जी. Like you know, पूजा जी was my best buddy. अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है. पूजा जी हमारे बिग बॉस के घर में एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी जिनके आगे लाइक कोई नहीं बोल रहा था. एंड मुझे बाहर आके ये रिस्पॉन्स मिला कि उनके अगेंस्ट अगर किसी ने बोला तो मैंने ही बोला. एंड पूजा जी ने कहीं ना कहीं ये बात बोलते कि मुझे इस घर में किसी ने टक्कर दिया, तो दैट्स अभिषेक. तो आइए देखते हैं पूजा जी और अभिषेक के ह्यूज मोमेंट्स, तो नहीं फाइट मोमेंट्स. आओ लेट्स गो. जी मैं ये टास्क के पहले ये कहना चाहूंगी कि मैं यहाँ पे किसी को पापी नहीं मानती हूँ, बहुत लोगों को बेवकूफ मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को एक सिचुएशन में डाला जहाँ पे उनको फिर सॉरी बोलना पड़ा. मगर हाँ, मैं सबको एक चीज बोलूंगी कि हर किसी ने यहाँ पे एक दूसरे को बहुत जलील किया है. ये ट्रॉफी सिर्फ वो लोग नहीं जीते हैं जो चालाक होते हैं, एक दूसरे को जलील करते हैं, एक दूसरे को छोटे करते हैं. यू माइट विन द बैटल, यू विल नॉट विन द वॉर. तो इंडिविजुअली मैं बोलूंगी और कीचड़ में अपने आप पे डालूंगी, क्योंकि मेरा इस घर में होना शायद कुछ फायदा का था ही नहीं. जी अब क्या चल रहा है ये? जी तो ट्रॉफी एक दूसरे के सर के ऊपर ऐसे कुचल के नहीं यार, बहुत हो गया जिल्लत ये घर में. मुझे बीवी का कितनी खुश हो रही है अंदर. छोटे लोग, छोटी सोच. पर पूजा जी आप अपने में नहीं दे सकते हैं. पूजा, कार्य जैसे बताया गया है वैसे ही होगा. किसी एक को बुलाइए, चेयर पे बैठाइए और फिर उसके बाद ये कीचड़. तो एक्चुअली मुझे चेयर और चाहिए क्योंकि ये जीतेगा ट्रॉफी बिग बॉस अभिषेक. देखो यहाँ तक इनका यही कह रहा था ये जीतेगा ट्रॉफी अभिषेक, बट अभी अभी कुछ ऐसा होगा उसके बाद चीजें बदल जाएगी माय फ्रेंड. एक बार भी आलिया भट्ट ने बोला नहीं है. पता है मेरे फॉलोअर्स इतने हैं, अपने आप को नॉर्मल सब समझती है. गलती इंसान से ही होती है. और किसी को ऐसे बोलना कि छोटे लोग, सबको आप ये नहीं बोल सकते कि तुम सारे छोटे लोग और छोटी सोच. आपने बोले छोटे लोग और छोटी हरकत है, तो दैट इज अनफेयर. आई डोंट टेक दैट. नो, आप किसी को अगर मैं वहां बैठ के किसी को बोलूं तो नो दिस इज रॉन्ग. हाँ तो आप गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है. मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप कीचड़ डालो. पर अगर आप सबको ये बोल रहे हो छोटे लोग, आई एम नॉट अग्रीइंग ऑन दैट. आपकी भी मैम अच्छी नहीं रही है, आपने भी बहुत हरकतें करी है यहाँ पर, बस ठीक है. तो सबकी हरकतें हैं, सबने गलतियां करी है, पर सब गलतियों से सीख रहे हैं. कहीं ना कहीं हमने जो गलती करी हमने एक्सेप्ट करा. कल शायद कल इन्होंने मेरे को बहुत इंस्टिगेट करा, बट आई भाई साहब काफी क्रेजी. मेरे को अब यहाँ लग रहा है कि जब उसी वक्त बोला छोटे लोग छोटे सोच, तभी बोल देना चाहिए था. आगे भी दो तीन बार मैंने सुना, बिकॉज मैं एट दैट मोमेंट सोच रहा था कि मैं बोलू ना बोलू, बिकॉज पूजा जी थोड़ी इमोशनल हो रही थी वहां पर. फिर आई रियलाइज कि नहीं यार, ये बोल रही है गलत बोल रही है, यहाँ पर मेरे को स्टैंड लेना चाहिए. एंड आई टुक द स्टैंड. आई नो वहां पर सब थोड़ा थोड़ा डरते थे पूजा जी से बोलने से पहले, कतराते थे, बट यस वी डिड इट. वो मेरे को उसके बात ना करिए अगर आप, ठीक है मैम. नहीं है तो मेरे से बात. मैम अगर आपको भी बात नहीं करनी तो आप मत कीजिए, मेरे को कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है. बट मैंने कोई मिस्टेक करी, मेरे को उसके लिए पनिशमेंट मिल गई. मैम फिर आप अपने आप पे ध्यान दीजिए. मेरे को आपको ध्यान अपने आप पे ध्यान दीजिए. बस ठीक है मैम, आप अनप्रोफेशनल काम आप करते हैं. आप भी बिल्कुल अनप्रोफेशनल कर रहे हैं मैम. बाप एंड बेटी परवरिश. अबे यार, Now I realize, इसके बाद ही जो वीकेंड का वार हुआ था उसमें बोला गया था कि परवरिश पे बात हुई. एंड सलमान सर ने भी ये बात बोली कि भाई परवरिश के बारे में बोला गया, और उन्होंने फलक को पॉइंट आउट करा, पूजा जी को नहीं करा. यू नो व्हाट आई मीन, एक्चुअली वाली सिचुएशन याद भी थी कि ये हुई थी कि पूजा जी ने भी परवरिश की बात बोली थी, क्योंकि वीकेंड के बारे में सिर्फ फलक जी को पॉइंट आउट किया गया था कि तुम बात करो तुम मत करो. तो दैट इज समथिंग विच आई फील, पूजा जी को पूरे 8 हफ्ते के वीकेंड के बारे में कभी कुछ नहीं बोला गया. इतनी चीजें भी उन्होंने बोली, जैसे किसी को बोला छोटे लोग छोटी सोच, फिर किसी को बोला तुम परवरिश देखो. यही तो बात महेश सर ने बोली थी,
कहीं ना कहीं इनके इंटेंशंस जो थे ना वो समझाने के कम हर्ट करने के ज्यादा थे, मतलब इन लॉट ऑफ सिचुएशंस, लॉट एंड लॉट ऑफ सिचुएशंस। बट वही है भाई, मैं इसमें ना कुछ गलत नहीं कहता, सबकी गलती, सबसे गलती होती है, इंसान है भाई, गलतियां तो करेंगे एंड सीखे अगर उससे तो सबसे बढ़िया तो तभी वही रहेगा ना। अब कार के संचालक बता रहे कि पूजा और अभिषेक में से किसकी बास्केट में ज्यादा फ्रूट्स हैं। बिग बॉस अभिषेक की बास्केट में। Well done, but not well played. Not well played because you lost your cool again and you said things that you were not supposed to say. Well done, but not well played. Repeat कर जा रही है पूजा जी भी। ये 6 का वापस निकला। बहुत अग्रेसिव वापस। वहाँ पर था मैंने wake up। मुबारक हो अभिषेक। मुबारक हो। But not well played. Very badly played. फिर से बनते हैं इस सीजन के आखिरी कैप्टन और शो के पहले फाइनल। I gave my best in task, man. I love doing task. मजा आता है। Well done, well not played चली जा रहा है पर। Dishonorably played. जो तूने बोला वो तो तेरे मुंह से निकला ना। मेरे मुंह से निकला, बट अब मैं रियलाइज करता हूँ अभी भाई तुम ही धक्का दे रहे थे। वो क्लिप्स भी मैंने पिछली वीडियोस में दिखा दी थी, तुम ही थे, तुम हो बालक बुद्धि भाई। जैड के लिए जो भी बोला, मगर घूम फिर के अगर वही इंसल्ट निकलते हैं सैड। आपने वो एक्सपीरियंस नहीं करा जो मैंने एक्सपीरियंस करा है। तीन बंदे जब मेरे को मारने खींचने पड़ रहे ना, आई नो आई डोंट हैव टू शो, वो इसलिए आई लॉस्ट माय कूल क्योंकि लिटिल तीन बंदे मेरे को मार रहे हैं भाई। देख तेरा गुस्सा मैंने बोला मेबी मेरे को गुस्से में निकल गया। आई एम सेइंग सॉरी फॉर द थिंग्स आई हैव सेड। मैं बोल रहा हूँ मेरे से गलती हुई, आई लॉस्ट माय कूल अगेन, आई एम सेइंग सॉरी फॉर दैट। बट मैं बता रहा हूँ 2 सेकंड लगते हैं लोग जब मेरे को मारेंगे ना। आपको आपके साथ सारे बहुत प्यार से खेल रहे थे भाई, बाहर देख रहे हैं ना सब, प्यार से नहीं खेल रहे थे। ठीक है यार, इसमें बात वो मेरे को बोल रहे, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ, बिकॉज मैं आपसे प्यार बात कर रहा हूँ। तीन बंदे मिलके मेरी ये फीलिंग थी, मैं अपने नहीं दिखा रहा, बट इट इज I'm not telling anyone to forget it. मैंने करा, बट मेरे को पता है तीन लोग मेरे को कर रहे थे वहाँ पर। आपसे लोगों ने बहुत अच्छे से खेला है। आप अगर सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग मिस इंटरप्रेट करना, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। बट बार बार कोई ये बोले वेल वेल डन वेल नॉट वेल प्लेड, वो बाहर दुनिया देख रही है। मैं किसी की यहाँ पर वैसे भी जस्टिफिकेशन या किसी को एक्सेप्टेंस के लिए नहीं हूँ, प्लीज। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, आई एम सो सॉरी। जीतो मगर शान से यार। वन बिग हैंड फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। इसमें यूथ की क्या गलती है? एक अगर उससे गलती करी वो मेरी, इसकी क्वेश्चन है। मैंने उसको बोला हर बार वही इंसान क्यों गलती है, बोल दिया कि वैसे आई लॉस्ट माय कूल, उसको पता है जैड कैसा खेल रहा था। तो आप अभी एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं मेरे से? मैं आपसे नॉर्मल बात कर रहा हूं, नॉर्मल नहीं है। बोल रहे हो कि दिस वेल डन टू द यूथ ऑफ इंडिया, नॉर्मल नहीं है, नॉट से कि यूथ की गलती है। अगर मैं गलत हूं यहां पर, आई एम टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी। और आप रिप्रेजेंटेटिव नहीं है यूथ। मैं इसको वही कह रहा हूं, आप पहले ही इन्होंने बोला वेल डन, बिग अप्स टू द यूथ ऑफ इंडिया, बिकॉज़ क्यों बोलता है इंसान, क्योंकि आई एम रिप्रेजेंटिंग द यूथ ना उनके हिसाब से। बट फिर बाद में उन्हें बोलते यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द यूथ, तो फिर बोला है क्यों? यार देखो भाई, यूथ के लिए मैं तो स्टैंड लूंगा भाई। ऐसे यूथ को कोई बोलेगा या मेरी कम्युनिटी को कोई बोलता है, यूट्यूबर्स कम्युनिटी को, कि कुछ तुम ऐसे हो, तुम यूट्यूबर हो, तो भाई मैं तो स्टैंड लूंगा भाई। अपन जहां से आते हैं अपन तो रिप्रेजेंट करेंगे अपने लोगों को, सीधी बात। आप जैड को बोलती हो, जरा अकेले में अभिषेक को भी बोलो, ये पहली बार नहीं है जब वो अग्रेसिव होता है। अभिषेक फॉर बीइंग अग्रेसिव हर ड्यूरिंग द टास्क। बात में वजन नहीं आता। यही तो वो वाला सिचुएशन था जहाँ के बाद पूजा जी और मेरे के बीच में बहुत सारी भसड़े चालू हो गई थी। यार आवाज ऊंची करने से बात में वजन नहीं आता, ये बात तो सच है। बट एनीवेज यार, दैट वाज द हाउस, और हाउस के अंदर बहुत सारी चीजें हुई और मेरे को मन था पूजा जी वर्सेस अभिषेक देखने का। आप बताना बेसिकली मेरी और पूजा जी की जो भसड़ हुई वन ऑन वन, उनमें सबसे अच्छी कौन सी आपको लगी? पूजा जी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डीएम मी, मेरे को डीएम में मैसेज जरूर करना। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। यू नो आपने मुझे बोला था हमको टच में रहेंगे, आई वांट बी इन टच विद यू। आप बहुत अच्छे हो, बस बिग बॉस के घर के लिए अच्छे नहीं हो।
क्योंकि पूजा जी के ना दो साइड्स थे, मैं जेन्युइन बताता हूँ। एक साइड था बहुत गूफी साइड जहाँ पर वो मस्ती करती थी, और एक साइड था ज्ञानी वाला साइड। ज्ञानी वाला साइड वाज लाइक लिटरली आई हेटेड दैट साइड, और गूफी वाला बहुत क्यूट था। तो मुझे लगता है कि घर से निकलने के बाद तो शील भी द गूफी वन, तो गूफी है तो फिर गूफी गूफी रहो। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। चलिए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय।